पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ ही उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय हो गया। अब सूत्रों से पता चला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब भारत का सीमावर्ती राज्य है, उसको लेकर अपनी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान से सीमा सटी हुई है, इसको लेकर अपनी चुनौतियां हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगातार चर्चा कर रहा था। हाल ही में तो ड्रोन का खतरा भी बढ़ा है, इसके साथ ही पंजाब में ड्रग्स का जाल भी फैला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कैप्टन साहब ने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा। मुझे लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी के परिवार में उनका और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमेशा गर्व से कहा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र और दूसरे नंबर पर पार्टी। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 9 सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी पीएलसी बनाई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने बीजेपी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। हालांकि चुनावों में गठबंधन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, खुद अमरिंदर सिंह अपनी सीट भी नहीं